नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं मुन्नार में हूं, चाय की एक फैक्ट्री में आया हूं देखने के लिए कि चाय का पूरा प्रोसेस कैसा होता है, कैसे फार्म से चाय को प्लक किया जाता है और फाइनल टी कैसे तैयार होती है। जैसे हमने कूर्ग में डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कॉफी पे, उसी तरीके से यहाँ पे हम सेम काम करना चाहते हैं चाय पे। अंदर सामने यहाँ इनकी ऑफिस है, चल के बात करते हैं। इस समय मेरे साथ मिस्टर जॉबसी हैं, फैक्ट्री के जीएम, मिस्टर प्रभाकर। आपसे हम समझना चाहते हैं चाय पे एकदम डिटेल, इन ए वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड मैनर। फॉर एग्जांपल प्लकिंग से लेके एंड प्रोसेस, और फिर आपके यहाँ चाय की जो वैरायटीज हैं उसमें से मैं दो तीन वैरायटीज एक बार टेस्ट करके जरूर देखूंगा, और मुझे भी हेल्प होगी क्योंकि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री पहली बार बना रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग पहली बार ले रहे हैं, प्लस आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा। तो आप अभी जिस फैक्ट्री में आए, ये फैक्ट्री ऑलमोस्ट मोर देन 100 ईयर ओल्ड फैक्ट्री है, और जो चाय जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं और एक उस जो बनती है उसको CTC बोलते हैं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब है कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग जो टी होती है, जो 100-200 साल पुरानी जो टेक्निक है, उसी टेक्निक से हम लोग इसी फैक्ट्री में चाय बनाते हैं। अब जो ये चाय कैसे बनती है वो सीखने के लिए पहले हम लोग सीधा फील्ड में चलते हैं। फील्ड में जाने से पहले इन्होंने चाय मंगवा ली हमारे लिए, तो आपको मैं बताता हूँ, ये है वाइट टी, ये है ब्लैक टी। सबसे पहले ना ये सर्व करने का अंदाज मेरे को बहुत अच्छा लगा, सो ब्यूटीफुल एंड सो मच डिफरेंट। डबल लेयरिंग ग्लास, या पहले दो सिप से पीने से फर्स्ट फील कहीं ना कहीं ऐसी आती है जैसे बॉइल्ड वाटर पी रहे हो। लेट मी नॉट टेक 3-4 मोर सिप्स टू अंडरस्टैंड मोर। मेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इस पीने के बाद ऐसा ही है कि इसको पूरा पीने के बाद ना एक कप और पीने की इच्छा हो रही है। दैट्स ऑल आई कैन फील एज ऑफ नाउ। शुगर नहीं डाली थी इसमें, शुगर लगती, आप लीजिए ना। ऑब्वियसली एकदम डिफरेंट उसमें आ गए, क्योंकि वहां माइल्ड था, ये हल्की सी मतलब बिटरनेस राइट वर्ड नहीं होगा इसको बोलने के लिए, लेकिन इसमें फील हो रहा है जैसे हम टिपिकल टी पीते हैं या चाय पीते हैं वैसा फील हो रहा है। कड़क कड़क चाय, लेकिन आप ये विदाउट शुगर है, लेकिन आपको शुगर की जरूरत लग रही है कि चाहिए होगा इसके लिए? नहीं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली चाय आती कहाँ से है। हाँ। जो चाय आती है इन पत्तियों से आती है। Okay. जो मेरे हाथ में जो दो हैं इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं 2 लीफ एंड अ बड एंड 3 लीफ एंड अ बड। ये जो हम लोग पत्ती है जो प्लक करते हैं हम लोग, ये इसको टारगेट शूट बोलते हैं, और ये वाली शूट हमको चाहिए प्लकिंग के लिए, अच्छी चाय बनाने के लिए। चाय बनाने में बड भी काम आता है? यस, बड भी काम आता है। इनफैक्ट इस पत्ते में आप देखोगे ये जो दो पत्तियाँ हैं और ये जो बड है, ये तीनों चाय में जाएंगी, और ये जो स्टॉक दिख रहा है आपको वो फाइबर से फाइबर होकर हट जाएगा। अब ये देखिए फील्ड में ये प्लकिंग चल रही है, और ये जो प्लकिंग में आप जो इंप्लीमेंट देख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं शियर, एक्चुअली एक सिसर का एक दूसरा फॉर्म है। तो जो मैंने आप जैसे पहले 2 लीफ एंड 3 लीफ जो हम लोग प्लक करना चाहिए उसको, तो इस शियर से हम लोग उसको प्लक करते हैं। तो आज जैसे प्लकिंग हुई तो दोबारा प्लकिंग कब होगी? हाँ, अब इसमें दोबारा प्लकिंग होगी। अब ये वाला जो फील्ड है हम लोग उसको सेकेंड ईयर फील्ड बोलते हैं इसको, तो इसमें अभी 18 दिन के बाद अगला राउंड फिर आएगा इसी जगह पे, क्योंकि 18 दिन के बाद जो हम लोग जो 2 लीफ और 3 लीफ जो टारगेट शूट हमको चाहिए वो 18 दिन के बाद फिर रेडी हो जाएगा। 18 डेज का टाइम फिक्स होता है राउंड ईयर? नहीं, 18 डेज का टाइम फिक्स नहीं है। एक्चुअली मानसून के बाद जब वेदर कंडीशन फेवरेबल होती है तो 15 या 16 दिन में आप आ सकते हैं, और जब विंटर टाइम जब ग्रोथ पैटर्न कम होता है अराउंड 18 to 20 डेज। इस जगह पहुंच के ना इतना खूबसूरत लग रहा है, कैसे मतलब आप देखो नीचे जैसे मूवीज में देखते हैं ना हम लोग टी गार्डन के सीन्स, एग्जैक्टली वैसी जगह खड़े हुए हैं। ये देखो एकदम क्लोजअप में चाय, और वो पूरे बाग ही बाग हैं, और बीच बीच में जो पैसेजेस हैं प्लकिंग करने के, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा मुझे तो लग रहा है इस जगह आकर कि अगर मैं 2 घंटा या 3 घंटा सिर्फ यहाँ बैठ जाऊँ और इस सीन को देखूँ ना, तो भी लगेगा कि 3 घंटे स्पेंड करके भी कम टाइम लगाया, इतना खूबसूरत है।
हाँ, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, इन लोगों ने पत्ते हार्वेस्ट किए हैं और इसका वेमेंट चल रहा है, और ये अभी इस वेमेंट के बाद अपने लंच ब्रेक पे जाएंगे और फिर 1 बजे वापस आएंगे, और ये वाला जो पत्ता है फैक्ट्री में, इस गाड़ी में फैक्ट्री में चला जाएगा, और इसके बाद एक वेमेंट और होगी जो 4:30 बजे होगी, उसके बाद वो वाला लीफ भी फिर फैक्ट्री में चला जाएगा। जहाँ पर ये वेइंग हो रही है ना, इसके सामने देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, टी गार्डन टू गुड, मतलब ऐसा लग रहा है कि 15-20 मिनट आधा घंटा सिर्फ यहाँ पे देखो और इसकी खूबसूरती को इंजॉय करो। अभी हम लोग फील्ड से वापस फैक्ट्री में आए, इनके साथ जाके हमने पूरा फैक्ट्री विजिट किया, ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे लग गए हर चीज को डिटेल में समझने में। एक बार आप पूरे प्रोसेस को रन थ्रू कर दो कि फैक्ट्री में क्या क्या होता है। ओके अच्छा, आप देख सकते हैं फील्ड से जो पत्ता जो फैक्ट्री में आया उसका जो फर्स्ट प्रोसेस उसको हम उसको अंडरगो होता है उसको बोलते हैं विदरिंग, बोलते हैं उसको विदरिंग। नाउ जो विदरिंग का जो सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि पत्ते में जो मॉइस्चर है, जो अराउंड 80-90% मॉइस्चर होता है, उसको हमको कम करना पड़ता है अप टू 58%, और ये 58% कम करने के लिए पत्ते को हम लोग ट्रफ में डालते हैं, उसको स्प्रेड आउट करते हैं और उसको थोड़ी देर उसको वैसे ही रहने देते हैं, उसके बाद उसे हॉट एयर पास करके अराउंड 16-18 घंटे के अंदर उसको मॉइस्चर कम करने का ट्राई करते हैं, और मॉइस्चर कम करने के बाद ही वो नेक्स्ट प्रोसेस रोलिंग में जा सकता है। अच्छा, रोलिंग का क्या पर्पस है, जो लीफ विदर्ड होगी उसको हम लोग रोलर के अंदर डालते हैं, उसमें एक प्रेशर सीक्वेंस बनाते हैं और उसको जो सर्कुलर मोशन में जो पत्ता उसको रोल होता रहता है, उसका मेन पर्पस ये है कि जो पत्ते के अंदर जो इनहेरेंट जूसेस हैं वो बाहर आ जाए, वो बाहर पत्ते में कोट हो और जो टी की जो सभी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमको बाहर मिले उसको। मैंने अभी फैक्ट्री में समझा कि रोलिंग का प्रोसेस कितना, 50 मिनट्स यस। ओके अच्छा, अब रोलिंग के बाद पत्ता रोल हो गया, उसके बाद अगला प्रोसेस है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का सिंपल मीनिंग है ऑक्सीडेशन ऑफ लीफ, कि उसमें जो आप उसको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हो उस रूम में, सो दैट ये जो ऑक्सीडेशन के बाद जो पत्ते का जो ब्लैकनेस आना चाहिए वो ब्लैकनेस बाहर आ जाता है, और जो उसकी जो क्वालिटीज हैं जो हम लोग रोल करके जो बाहर बनाई है वो फिक्स हो जाती है उसमें। मैंने फैक्ट्री विजिट में एक चीज नोटिस करी कि रोल होने के में डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स बन रहे थे, यानी अ प्रीमियम ग्रेड जो पहली बारी में लीफ रोल होगी, टेंडर लीफ, यस, तो वो सेपरेट उसकी फर्मेंटेशन हो रही yes, है yes, अलग कंपार्टमेंट में, यस यस एग्जैक्टली, तो उसके बेसिस पे आप प्राइस डिसाइड करते हो। यस, उसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड करते हैं। अच्छा, फर्मेंटेशन के बाद पत्ते में अभी भी थोड़ा मॉइस्चर है, तो फर्मेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको ड्राइंग बोलते हैं, तो एक ड्रायर है, उस ड्रायर में हम 110 डिग्री में उसको गर्म करते हैं और ये पत्ता उस ड्रायर के थ्रू जाता है करीब 20 मिनट, और वो ड्रायर के बाद निकलने के बाद उसमें जो मॉइस्चर जो इतना बड़ा था वो करीब 2-3% तक रह जाता है। तो मेन ड्राइंग स्टेज में मॉइस्चर रिड्यूस होता है। ड्राइंग का रिक्वायरमेंट यही है कि वो मॉइस्चर रिड्यूस करने के लिए है, तो एज पर लिमिट 2-3% तक हम लोग उसमें रिटेन कर सकते हैं मॉइस्चर। अच्छा, अब ड्राइंग के बाद होता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, उसको बोलते हैं हम लोग सिफ्टिंग या उसको ग्रेडिंग बोलते हैं, कि जो पत्ते के साइज के हिसाब से उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड में डालते हैं, और जो अच्छा अच्छा पत्ता होता है उसके हिसाब से उसको टेक्निकल टर्म्स हैं ग्रेड्स के, उसको सेपरेट करके फिर उसको पैकिंग करते हैं। एक फैक्ट्री विजिट में हमने समझा था फाइबर के बारे में, वो फाइबर किस स्टेज पे अलग किया था? फाइबर एक्चुअली ड्राइंग के बाद जैसे ही वो ड्राई होके जो लीफ बाहर निकलते हैं वो एक फाइब्रोमेट करके एक मशीन है उसके थ्रू जाता है, और वहां से पूरा मैक्सिमम फाइबर वहां पे सेपरेट होता है। सीटीसी और ऑर्थोडॉक्स मेथड के अंदर डिफरेंस कहां कहां आता है? एक्चुअली दोनों के शुरू में बिग डिफरेंस है दोनों में। सीटीसी का मतलब होता है क्रश टियर एंड कर्ल, इसमें पत्ते को आते ही उसको आप काट के छोटे छोटे पीसेस में करते हैं और उसके बाद जो बाकी जो प्रोसेस है उसके थ्रू जाता है, और जो ऑर्थोडॉक्स है उसमें हम लोग लीफ को रोल करते हैं, मतलब उसमें जो लीफ की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती है लीफ में ही रहती है, और इसीलिए क्या होता है जो सीटीसी का जो आप जब चाय पीते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर लगता है, और जो ऑर्थोडॉक्स है काफ़ी सटल है उसमें। तो हमारी फैक्ट्री में 3 ग्रेड की चाय हम बनाते हैं, वाइट, ग्रीन और ब्लैक। जो वाइट टी बनती है वो जो लीफ के जो बड्स हैं उस बड्स को हम लोग प्लक करते हैं और केयरफुली विदाउट डैमेज फैक्ट्री में लाते हैं, और उसको इंफ्राब्लड बल्ब के अंडर हम लोग 6-7 घंटे उसको ड्राई करते हैं। जो वाइट टी की सबसे बड़ी खासियत है वो है कि उसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं हर चाय के मुकाबले, और जो एंटीऑक्सीडेंट का रोल है वो हम लोगों को बॉडी को डिजीजेज और इन्फेक्शन से अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, तो हम लोग की इम्यूनिटी पावर थोड़ी बढ़ जाती है। और ग्रीन और ब्लैक में फ़र्क इतना ही है कि जो ग्रीन टी का जो प्रोसेस है उसमें हम लोग फर्मेंटेशन नहीं करते हैं, इसके कारण वो ग्रीन कलर रिटेन रहता है, जबकि ब्लैक टी में फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोसेस जाता है इसलिए उसका कलर जो अपीयरेंस है वो ब्लैक हो जाता है। सुबह हमने वाइट और ब्लैक टी भी,
इस समय ग्रीन टी विदाउट शुगर। ऐसा लगता है ग्रीन टी पीने से जैसे आप लीफ को ओरिजिनल फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज वन। सेकंड, बिना शक्कर बिना चीनी के भी गुड है, मतलब ऐसा कोई कंपल्सरी फीलिंग नहीं आ रही कि आपको चीनी होना चाहिए। एक बात तो श्योर है, मुझे ऐसा लगता है कि चाय पीने से क्या, हम लोग बचपन से पीते आ रहे हैं, तो चाय की हैबिट चेंज करना फ्रॉम इफ समबडी वांट्स टू फ्रॉम सीटीसी टू ऑर्थोडॉक्स टी टफ है, मतलब 2-3 महीने आपको कंटिन्यूसली चाय को पीना पड़ेगा अपना बदलने के लिए ब्रांड या अपना टेस्ट बदलने। बट अच्छा, गुड एक्सपीरियंस यहाँ पर आना और इस तरह से डिटेल में चाय को समझना हम लोग के लिए काफ़ी प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा, और आपने अच्छा हमें फील्ड में ले गए, फैक्ट्री दिखाया, थैंक्स फॉर दैट। बिफोर वी लीव एक बार आपका वो आउटलेट देख लेंगे एंड विल गेट सम टी फॉर आर होम। नाइस। मिस्टर प्रभाकर हमको फैक्ट्री आउटलेट दिखाने ले आए, यहाँ पर जितने ब्लेंड्स और ग्रेड्स तैयार होते हैं यहाँ पर विजिटर्स के लिए सेल करते हैं जो फैक्ट्री विजिट के लिए आते हैं। तो अभी इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया ये वाइट टी है, इसका प्राइस है 100 grams 1200 rupees, राइट। ग्रीन टी 100 grams for 300 rupees, ब्लैक टी 250 grams 400 rupees। तो मैं अपने लिए आई विल प्रेफर टू गो विद दिस ब्लैक टी, ठीक है, तो आई विल टेक 1 packet फॉर दिस। तो हम इसके 3 packet आपसे लेंगे। टी फैक्ट्री विजिट करना हमारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुन्नार टाउन से यह फैक्ट्री 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। फैक्ट्री विजिट के चार्जेस, फार्म विजिट चार्जेस, उसकी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दैट्स इट, मुन्नार घूमने में बहुत मजा आ रहा है। आज का टी एपिसोड हमारे लिए काफी नॉलेजेबल एक्सपीरियंस रहा। थैंक्स फॉर योर टाइम।